पाकिस्तान में हालिया सैलाबों ने मुल्क के तुलो अर्ज में तबाही मचाई। आज भी लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, आज भी लोग मदद के लिए जा रहे हैं, लेकिन जिन इलाकों में सैलाब आया उनमें मुख्तलिफ वाक़ियात सुनने में आए कि लोग जो है वो सैलाब के लिए जो इमदाद आती है उसको लूट रहे हैं। इस बात की तहकीक के लिए हम खुद उन इलाकों में गए और हमने खुद देखा कि वहाँ पे जो इमदाद आप भेजते हैं, जो ट्रक आप लेके जाते हैं, वाकई लोग जो है वो उस पर चिपटते हैं, उसके पीछे मोटरसाइकिल वाले लोग लग जाते हैं, उसे रोका जाता है, उन्हें लूटा जाता है, और वो लोग बाकायदा अपनी जान छुड़ाते वहाँ से भागते हैं। ऐसे कुछ मनाजर हमने भी देखे और इन लोगों के साथ किस तरह से इन्हें जो है इमदाद दी जाती है, कैसे इमदाद इन तक पहुँचाई जाती है और क्या सलूक किया जाता है इनके साथ, वो मनाजर भी आपके सामने है। क्या इसमें सिर्फ कपड़े हैं बेटा? सिर्फ कपड़े दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं। लोग जो इधर से सामान लेके जाते हैं वो बस सड़क किनारे फेंक के आ जाते हैं। ये लोग मुस्तैक हैं या नहीं इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है उन्हें, उन्होंने बस सामान फेंकना है। और जो हालात हैं, जिनके घर गिर गए हैं, जिनका सामान बह गया है, उनका तो अल्लाह ही नुकसान पूरा करे, बंदे ने क्या करना है। बाकी अल्लाह मुश्किल और बुरे वक्त से सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।